सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 11 जुलाई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 230 हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, ये है सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था जिसका रासायनिक सूत्र है C2H3NO। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिरों के नाम, योगिनी मंदिर खजुराहो में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, खजुराहो के मंदिर भी यहाँ पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AICTE ने किस रक्षा संस्थान में MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है DRDO में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद रक्षा प्रौद्योगिकी में MTech कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के जरिए अभ्यर्थी व्हीकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी, नवल टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल आसमी को किसने बनाया? DRDO ने बनाया है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित किया है DRDO ने। संत मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। एक्सरे में COVID-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया? DRDO ने विकसित किया है। COVID-19 का उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया? DRDO ने विकसित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मत्स्य मछली किसान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 जुलाई को, सी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रत्यार्पण दिवस 9 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा?
तो ये बनाया जाएगा गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा और यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हरमेंस 75 को किसने लॉन्च किया है? कबीरा मोबिलिटी ने इसको लॉन्च किया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मानव फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है करीना कपूर ने, भी आपका आंसर हो जाएगा। योर बेस्ट डेज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मिसा पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओह मिजोरम पुस्तक पी एस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मांडविया यहां पर नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? सी शैलेंद्र बाबू यहां पर नए डीजीपी बने। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी बने। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी बने हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? अतुल केशव बने हैं। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो यहाँ पर 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जारीकर्ता ऑक्सफैम ने दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग 11 लोगों की मौत होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड 19 से होने वाली मौतों से अधिक है। ऑक्सफैम ने तीव्र भूख की स्थितियों के लिए कोविड 19 जलवायु संकट और संघर्ष को जिम्मेदार बताया है। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को ILO यहाँ पर जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स को WEF जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को IBRD जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स को WEF जारी यहां पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। यह धार्मिक पर्व आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में मनाया जाता है और 11 जुलाई से शुरू हुआ है। बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। टॉप 5 महोत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया जेला एवांट गार्डे को सम्मानित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पुरस्कार के बारे में, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक स्पेलिंग बी है जो छात्रों को उनकी वर्तनी में सुधार करने, उनकी शब्दावली बढ़ाने, अवधारणाओं को सीखने और सही अंग्रेजी उपयोग विकसित करने में मदद करता है जो उनके पूरे जीवन में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का अधीन कर दिया है? वित्त मंत्रालय का अधीन कर दिया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम,
सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय का अधीन कर दिया है। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत किया है। इससे पहले DPE भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? यह पुस्तक करीना कपूर ने लिखी है। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक के शेयरधारकों ने श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय अलुवा केरल में, संस्थापक KP हॉर्मिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC ने किसे को CEO पद से हटाया है? मनु साहनी को यहाँ पर हटा दिया। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के रेलवे मानचित्र में किस राज्य को पहली बार शामिल किया गया है? मणिपुर को यहाँ पर शामिल किया गया। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाई चुना पाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। CM N वीरेन सिंह है। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। जनजातियां कुकी, मैटी या मैठी, नागा, अंगामी हैं। केवल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल को शुरू की है। मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हाउ को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का किया उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है। राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की गई है। राज्य ने 1 पेंशन ऐप लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं। मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? PK फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में राजकुमार हिरानी की 2014 की फिल्म PK के मूल कैमरा नकारात्मक के एक महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? 10 जुलाई को ये मनाया गया है। यह दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर KH अली कुनही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कार्यों के प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस नदी के 13 घाटों के लिए 67 सैंपल की RT-PCR टेस्ट किए गए हैं? गंगा नदी के यहाँ पर टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा नदी के पानी में कोरोना नहीं है। गंगा के 13 घाटों के लिए किए गए सभी 67 सैंपलों को RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है? तो यहाँ पर ये कर लिया गया, उत्तर प्रदेश में। 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने पर भी रोक, और कानून मानने पर प्रमोशन और टैक्स में छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है। दोधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। नवीनीकरणीय
ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश ने देश की पहली नदी परियोजना केन बेतवा लिंक के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद नगर निगम को BSE में लिस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल किस राज्य ये शहर में बनाया गया है? दुबई में बनाया गया है। 60 मीटर के इस पूल में 6 ओलंपिक पूल जितना पानी है और इंडोर गेम्स के साथ 80 सीटों वाले रेस्टोरेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्वनी वैष्णव भारत के नए रेल मंत्री बने हैं। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? कनाडा के पास। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नीलगिरी किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।